So I did not steal that car. That car was mine. मैंने आपने वो दिखाया कि उन्होंने मुझसे 3 lakhs पर मंथ और वो दिखाया आपने इमेज. Now addressing the issue of the car, we had 2 cars. One was the BMW and one was the Creta. Both were दोनों के loans clear हो चुके थे. उसके बाद top up loan लिया गया. Creta मेरे नाम पे थी, BMW करण के नाम पे थी. हमारी शादी 2012 में हुई. 2013 में करण ने BMW वाली कार मुझे गिफ्ट की थी. बट ऑफकोर्स ही वॉज ड्राइविंग इट बिकॉज आई सेड यू आर मोर फेमस एंड यू गो टू योर सेट सो यू नो इट सूट्स यू एंड यू टेक इट. एनी वे दैट वॉज अ थिंग बिटवीन द कपल. इन द वर्ल्ड इज अलाउड इन दैट हाउस. प्लीज गो एंड सी कौन कौन विजिट कर रहा है. इसकी BMW है, इसके नाम पे है, चला हो रही है एवरी डे. इज इट नॉट थेफ्ट विदाउट इंश्योरेंस. हम पुलिस को बता चुके हैं कोई है. So I did not steal that car. That car was mine. Anyway, so just show the thing about the repairs and insurance. तो हुआ ये था कि जो BMW थी उसका पिस्टन टूट गया था. तो वो गाड़ी BMW सर्विस सेंटर में थी 6 महीने के लिए. अब कोई भी गाड़ी जब एक जगह खड़ी रहती है तो क्या होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये हम सबको पता है. जब ये इंसिडेंट हुआ 1 जून 2021 को जब करण गए तो वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी हमारी पार्किंग में. उसके बाद मैंने वो शो ले लिया जी वाला और मैं उसके शूट के लिए नायगांव जाती थी. ऑब्वियसली मेरे पीछे से बच्चा है, उसकी मेडिकल इमरजेंसीज है, उसकी रूटीन है. तो वो बच्चे के लिए मैंने वो BMW कार फिक्स की, उसकी बैटरी फिक्स की, उसके इंटीरियर्स फिक्स किए, उसका इंश्योरेंस किया. एंड देन एट द सेम टाइम ही इज़ गोइंग टू द कॉप्स एंड सेइंग ये मेरी गाड़ी को तोड़ रही है और इसने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी. अभी उसने अपने नए पेटिशन में लिखा है. तो मैंने आप लोगों को बताया अबाउट द कार. वो कार करण मेहरा टो कर चुके हैं, करवा चुके हैं बिकॉज वो लोन पर थी और करण ने उसके EMI देने बंद कर दिए बिकॉज वो कार यूज़ नहीं कर रहे थे. और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरे पीछे से मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा. वेदर इट वॉज द हाउस और वेदर इट वॉज द कार, ठीक है, ही हेट्स मी, बट वॉट अबाउट हिज सन. एनी वे दैट्स द इशू ऑफ द कार. इन एडिशन टू दिस, इन 2022 दिस ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी आई बॉट अ न्यू कार. करण मेहरा चाहते हैं अपने काउंटर पेटिशन में कि मैं उनको वो कार दे दूँ. सो नाउ आई हैव ओनली वन कार, राइट. आई हैव सोल्ड माई क्रेटा एंड आई गॉट दिस new car and the BMW is gone and he wants this car, that the only car in which I drive when I go to shoot and I take Kavish out, he wants that. I don't know what he wants from me. He wants my home, he wants the car, he wants to throw me out, he wants the child on the road. It's just whatever. Any questions pertaining to the car? Just wanted to understand this ki aapne Creta kyun sell kiya. Aur kyunki Creta 7 saal purani thi और वो मुझे इश्यूज़ दे रही थी. दैट वॉज ऑन माई नेम, इट वॉज़ ऑन अ टॉप अप लोन. उसका लोन मुझे ही अदा करना था. तो मैंने वो कार बेची, बैंक के साथ सेटलमेंट किया, जो डिफरेंस मिला उसका डाउन पेमेंट फॉर माई न्यू कार दी और अब अपनी न्यू कार का EMI में पे करती हूँ. दैट्स द स्टोरी ऑफ. हाँ, जनवरी 2022 में खरीदी है. हमारा केस 1 जून 2021 को हुआ था, द फर्स्ट FIR. नहीं, वो केस के बाद हुआ था. जब करण गए थे तो BMW उसने टो करा दी. तो वो BMW खड़ी थी हमारी पार्किंग में बिकॉज इट वॉज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन. आई जस्ट एक्सप्लेन, राइट. उसका पिस्टन टूट गया था एंड इट वॉज एट BMW. उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई सो द कार वॉज नॉट वर्किंग. देन आई फिक्स द बैटरी, आई डिड द रिपेयर्स, आई डिड द इंश्योरेंस एंड आई ब्रॉट इट टू अ यूजेबल कंडीशन सो दैट मी एंड द चाइल्ड कुड यूज इट. वी नीड 2 cars, राइट. एक कार में मैं शूट पर जाती हूँ, दूसरी कार में. देर इज अ सर्टन लाइफ स्टाइल दैट वी हैव बीन फॉलोइंग सो फार. आई कैन नॉट जस्ट जर्क द चाइल्ड इन टू अ डिफरेंट स्विच. मैं उसको धीरे धीरे आई एम मेकिंग हिम यूज टू अ न्यू लाइफ स्टाइल. बट ऑब्वियसली वी हैव नेसेसिटीज एंड वी हैव नीड्स. तो बच्चे के यूज़ के लिए भी मुझे दूसरी कार चाहिए. खैर, अब वो दोनों कार्स ख़त्म हो चुके हैं. मेरे पास न्यू कार आई है तो उनको वो भी चाहिए जिसका आपने दिखाया वो. एनी अदर क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द कार? वन सेकंड, लेट मी एड्रेस हर क्वेश्चन. क्या बताया? देखिए, वो ऐसे ही लगाएंगे कि वो वैसे ही लगाएंगे, वो आपका ओपिनियन है. 1, 2,
जो भी मैंने बोला वो मैटर ऑफ फैक्ट है. दिस इज नॉट माय फीलिंग एंड अ विम ऑफ फैंटेसी. एवरीथिंग दैट आई एम शोइंग यू प्रूफ. करेक्ट. सो दिस इज नॉट वो ऐसे ही एलिगेशन लगा रहे हैं. नहीं, ये क्वेश्चन आपको उनको पूछना है. बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सबको बुला के कि देयर विल बी प्रूफ एंड एवरीथिंग, बट आई डिडंट सी एनी प्रूफ कमिंग अप. करेक्ट. और ये बात आपका क्वेश्चन कि ये बात उन्हें पता है कि नहीं पता है. वी वर अ फैमिली. आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर डिवाइडेड राइट बिटवीन अ कपल. एक जन फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखता है, एक घर संभालता है. इट्स डिवाइडेड. जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज हो, हमारे बीच में भी वो अंडरस्टैंडिंग थी. वेर ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, द इंश्योरेंसेज, ऑल दोज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हाउस. ही इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस. और अगर आप अवेयर नहीं हो तो क्या आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए जानने की कि क्या हो रहा होगा, बच्चा कैसे जा रहा होगा? आपको पता है एक कार है, आपको पता है आई एम अ वर्किंग पेरेंट राइट, आपको पता है बच्चे के भी नीड्स हैं, और फिर भी आप वो एक कार मांग रहे हो. ये तो बहुत बेसिक कॉमन सेंस है. एज अ फादर, एज अ पेरेंट, यू शुड नो दीज थिंग्स राइट.